हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स। यहाँ पर ब्राजीलियन सीरियल लीग का एक मैच हो रहा है सेंटोस एफसी वर्सेस क्वेबा के बीच 5:30 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखिए ये वीडियो को बनाने में आपको लग रहा है कि मैंने 3-4 मिनट में वीडियो बना दी, लेकिन इस मैच को एनालाइज करने में भाई मेरे को बहुत टाइम लगा है एज़ कम्पेयर टू अनदर मैचेज। इस मैच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। रीज़न क्या था कि ये डबल साइडेड मैच था, जबकि ब्राज़ीलियन सीरियल लीग के अंदर डबल साइडेड मैचेज बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम। मतलब ब्राज़ीलियन सीरियल लीग बहुत ईजी रहती है सुबह के लिए, लेकिन इस मैच के अंदर आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए पैंतरे अपनाने होंगे अगर आपको ये वाला मैच जीतना है। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की देखिए बात करूँ, दोनों तरफ की ऐसी स्ट्राइकिंग देख के मैं हैरान हो गया था। मतलब एक तरह कहूँ तो अगर कोई बंदा जैसे ये एक दूसरे को फेस कर रहे, तो दोनों के लिए ये है कि ये खुद तो अच्छे हैं ही, लेकिन सामने वाली टीम और बेटर लग रही है। जैसे अब एम लियोनार्डो को ले लो, एम लियोनार्डो अभी तक किसी भी टीम के आगे, जैसे बोलते हैं ना, घुटने नहीं टेके, बिल्कुल नहीं टेके। शुरू में बेचारा फ्लॉप था, आप ये लगा लो इसी टीम के खिलाफ इसने गोल नहीं किया था, लेकिन अब जिस फॉर्म में लियोनार्डो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी भी टीम को गोल लगाने का दम रखता है। और अगर मैं बात करूँ ऑपोजिशन टीम के मेन प्लेयर की, डी सिल्वा एकोस्टा, ये भी प्रॉपर फॉर्म में है गाइस, प्रॉपर फॉर्म। मतलब अगर इससे ज़्यादा फॉर्म मेरे को तो नहीं लगता क्या होती है, और इसने तो इनको गोल भी लगा रखा है इसी सीज़न। सो मैं इन दोनों को लूँगा। और एक प्लेयर जो हमने लेना है वो आप सेंटोस का, या तो देखिए मंडोज़ा ले सकते हो, या आप ले सकते हो ऑपोजिशन टीम का जे कैफू, बट मैं कहूँगा कि कफू को मत लेना, बनता सीधा मेंडोज़ा है, क्योंकि मेंडोज़ा एक सेफ़ खिलाड़ी है। और लोगों की बहुत गंदी आदत है कि शुरू के खिलाड़ी उठाते हैं, ये ना हो लोग मार रहे हैं तुक्का और उनका तुक्का चल जाए और हमारी एनालिसिस ना चले, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता। तो आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, देखिए मिडफील्डिंग के अंदर ऑपोजिशन टीम के पास भी ऑप्शन बहुत है। ऑपोजिशन मतलब CUI, ठीक है, मतलब मेरे नज़र में तो दोनों ऑपोजिशन टीम्स हैं एक दूसरे की, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अब उनका एक प्लेयर है रैनियले चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, ठीक है। रैनियले के बारे में मैंने आपको बताना ही था, रैनियले इज़ अ ग्रेट प्लेयर। और सॉबरेल एक की फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मैचेस, सो मैं सॉबरेल को लेने की आपको राय दूंगा डी बॉर्जिस की जगह, क्योंकि बॉर्जिस तो चलो आपको पॉइंट दे देगा, लेकिन अगर पॉइंट चाहिए तो वो तो सॉबरेल भी देगा, ठीक है। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, सॉरी सेंटोस की, दोनों की तरफ से ऑपोजिशन निकल रहा है, और यहाँ पर मैं लूँगा देखिए लुकास को, क्योंकि वी वांट पॉइंट्स, हमें गोल वोल नहीं चाहिए भाई, गोल तो स्ट्राइकर कर देंगे, हमें मिडफील्डर से क्या एक्सपेक्ट होता है, पॉइंट्स। और ये बड़ा आजकल भाई बोलबाला में है, क्योंकि नोनेटो की वापसी हो सकती है कभी भी, सो अगर नोनेटो खेलता दिखे देन यू कैन गो फॉर दिस। एंड आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर मैं सेंटोस टीम का प्लेयर लूँगा जी सिल्वा, ठीक है, जोकिम सिल्वा। और अगला है डी रिबेरो को यहाँ पर लूँगा। नेक्स्ट प्लेयर वो जो है वो है हमारा एम रॉड्रिगस, अगर खेला, अगर नहीं खेला तो फिर मैं कहूँगा 4 डिफेंडर पे रिस्क ही ले लो। अब रिस्क अगर लेना है तो मैं कहूँगा फिर प्रॉपर लो ना, नाटकबाजी नहीं। फिर अगर अभी जैसे ये भी नहीं खेल रहा, अब आपको पता है कि दो बड़े प्लेयर नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप रिस्क लो। जैसे कि अगर नेस्किमेंटो खेले तो इसके साथ जाओ, जे लुकास तो थोड़ा सेफ ही है, मतलब मैं चाहता हूँ कि रेयर प्लेयर आए टीम में, क्योंकि जो बहुत रेयर मैचेस खेलता हो, जैसे कोस्टा हो गया, या आपका आ जाता है सेंटोस का ही 3rd डिफेंडर जाओ, तो देख लो दोनों में से मैं कोस्टा के साथ हूँ। बात करें आगे ऑपोजिशन टीम की, तो उनका एक प्लेयर मैं जरूर लूँगा, बिकॉज मैं सिंगल साइड फेवर नहीं हूँ भाई, मैं रोचा के साथ जरूर जाऊँगा। और गोलकीपिंग की बात करें देन अल्टून को लूँगा, यही तो मेन काम है भाई रिस्क लेने का। अल्टून नहीं खेलेगा तो जे कार्लोस को ले लेना, पहले ही बता रहा हूँ, बस डरना मत, ये ना हो जल्दबाजी में इसको उठा लो, फिर मुझे बोलो कि भाई पेनल्टी सेव हो गई। तो बात करें यहाँ पर कप्तान की, देखिए कप्तान जो है वो है हमारी टीम का लियोनार्डो, वाइस कप्तान है डी सिल्वा। एक डबल साइडेड मैच में कप्तान दोनों तरफ के होते हैं, कप्तान वाइस कप्तान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।